बड़ी खबर आपको बता दें, अब मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े विवाद की सामने आ रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर आज बड़ा दिन है। इलाहाबाद कोर्ट में आज 2 बजे सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में विवादित परिसर में सर्वे को लेकर दरअसल फैसला आएगा। सर्वे के तरीके को लेकर कोर्ट फैसला सुनाएगा। स्पेसिफाई कर दिया जाएगा कि किस तरीके से इस पूरे सर्वे को अंजाम दिया जाएगा। सर्वे को लेकर कोर्ट कमिश्नर भी तय किए जाएंगे आज ही। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर, जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज ये कुछ तय हो जाएगा कि परिसर में जो सर्वे होगा उसका तरीका क्या होगा, सर्वे को लेकर कोर्ट कमिश्नर कौन कौन होंगे, ये सब कुछ तय कर दिया जाएगा। तो आइए अब देखते हैं कि मथुरा में विवादित परिसर में सर्वे से होगा क्या, यह समझना आपके लिए जरूरी है। तो महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रख दें। विवाद के समाधान की ओर बढ़ते कदम इन्हें माना जा रहा है, क्योंकि ये लंबे अरसे से चलता आ रहा विवाद है। मंदिर या मस्जिद होने के सबूत इस सर्वे के बाद सामने आ सकते हैं, ये माना जा रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के दावे का जो सच है वो भी सामने आएगा, क्योंकि हिंदू पक्ष इसको लेकर बड़े दावे कर रहा है। मस्जिद से जुड़े दावे का भी सच पता चलेगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की भी अपनी तमाम तर्क है जो वो लगातार इस पूरे मसले पर सामने रखते आए हैं। तो कुल मिलाकर जो सर्वे होना है उससे सच सामने आ जाएगा, ये माना जा रहा है। कि मस्जिद से जुड़ा जो दावा किया जा रहा है उसका सच आखिरकार क्या है, ये पता लगाने में भी सर्वे बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। और इसीलिए सभी निगाहें इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर टिकी हुई है। इस बीच मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में याचिकाकर्ता दिनेश शर्मा ने 55 दिन से अन्न का त्याग किया हुआ है और 2021 से नंगे पैर रहते हुए संकल्प लिया है कि जब तक हिंदू पक्ष में निर्णय नहीं आता ऐसे ही रहेंगे। मथुरा में उनसे बात की है TV9 भारतवर्ष के संवाददाता अभिजीत ठाकुर ने। इस वक्त हम मौजूद हैं कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के गेट नंबर 1 पर। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर सुबह से ही जुटना शुरू हो गए हैं। हमारे साथ भी तमाम लोग मौजूद हैं जिनसे बातचीत करेंगे, उनके भीतर जो उत्साह है वो क्या उम्मीदें रख रहे हैं इस कमेटी से और किस तरीके से सर्वे होगा उससे उनकी क्या उम्मीदें हैं, ये उनसे बातचीत करेंगे। पिटिशनर भी हमारे साथ हैं जिन्होंने याचिका दायर की थी। सबसे पहले अपना नाम बताएं, परिचय दें। देखिए, मेरा नाम दिनेश शर्मा है और मैं तो आज इतना खुश हूँ बहुत, क्यों आज एक ऐतिहासिक निर्णय आने वाला है। हमने एक संकल्प लिया था कि जब तक औरंगजेब के पाप की निशानी ईदगाह मस्जिद मथुरा जन्मभूमि मंदिर से नहीं हट जाएगी, जब तक हम अन्य ग्रहण नहीं करेंगे। तो हमारे लिए तो आज बहुत खुशी का पल है, अब सर्वे का रास्ता साफ हो गया है। आज एक ऐसा निर्णय आने वाला है कि कोर्ट आज डिसाइड करेगा कि कौन सी तारीख को वो सर्वे होगा, उस सर्वे में कौन कौन अधिकारी शामिल होंगे, उस सर्वे में कौन कौन पक्षकार शामिल होंगे, कौन कौन अधिवक्ता शामिल होंगे। आज बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय आने वाला है, सभी ब्रजवासी बहुत खुश हैं। सर्वे की दिन, तारीख, लोग और कितने समय में सर्वे होगा, ये सब कुछ तय होने वाला है, आप लोगों की जानकारी में है। आप लोग क्या चाहते हैं, कितने दिनों में ये हो जाना चाहिए या फिर जो सर्वे के लिए कमेटी गठित की जाएगी उससे किस तरह की उम्मीदें हैं? दोनों पक्ष के लोग होने चाहिए ये तो मानते हैं ना कम से कम। देखिए, ये तो बरसों पहले हो जाना था, लेकिन लटकाना भटकाना अटकाना की जो सरकारें चली तो उसमें ये मामला लंबित हो गया। अच्छा, फिर इसमें नेतृत्व का अभाव हो गया, सनातन धर्म का नेतृत्व का अभाव जो हो गया, फिर हमारा दिनेश, माननीय दिनेश शर्मा जी के रूप में जो नेतृत्व आया और इन्होंने संकल्प लिया, हजारों कार्यकर्ताओं के सामने इन्होंने अन्न छोड़ दिया, अब फलिहार करते हैं। अच्छा, पैरों की चप्पल छोड़ दी, जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाएगा, जब तक अन्न का त्याग कर दिया। आज आप लोगों को पूरा विश्वास है कि जो कमेटी गठित होगी पूरी तरीके से विश्वसनीय होगी और जो रिपोर्ट सौंपेगी उसको आप लोग मानने के लिए बिल्कुल तैयार? हमें न्यायालय पे पूरा विश्वास है, न्यायालय जो भी करेगी सबूतों के आधार पर करेगी, तथ्यों के आधार पर करेगी, न्यायालय का फैसला सर्वमान्य है।